लो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज दुनिया पूरी तरह से अजायबात से जूझ रही है और ये केवल आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज कहें या वीडियो क्लिप्स कहें, गज़ के हर तरह से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में सर्च करें तो सैकड़ों वीडियो क्लिप्स आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल आप घबराए नहीं, दिल थाम के बैठे। मैं आपको आज उन्हीं कुछ अजायबात में से चार ऐसे अजायबात वीडियो आपके सामने मैं पेश करूंगा कि आप देख करके दंग रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ये मिराकल समझ, खुदा की कुदरत या चमत्कार समझे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर एक, ये वीडियो देखें दोस्तों। ये बच्ची साइकिलिंग करते हुए आती है और ये कार के नीचे आ जाती है, मगर इससे कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सही सलामत बचकर निकल आती है। आप इसे खुदा की कुदरत समझें या चमत्कार। चलिए दूसरी वीडियो शुरू कर। नंबर दो, ये वीडियो क्लिप देखें। एक बंदा नमाज पढ़ रहा होता है और सजदे के दौरान ही में उसकी मौत हो जाती है। वो कहते हैं ना कि मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। दोस्तों, मौत से कोई भी बच नहीं सकता और कब कहां किस हालत में आ जाए ये कहना मुश्किल है। हां, अगर इस तरह नमाज पढ़ते हुए अगर मौत हो जाए तो कितनी खुशनसीबी की बात है। दोस्तों, मैं आपको नंबर तीन वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये तीन नंबर वीडियो है, ये देखें ये वीडियो। ये आदमी बिल्कुल एक हड्डी का ढांचा सा लग रहा है, इसके गोश्त पोश्त कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हड्डी बाकी रह गई है। आदमी अगर इसे रात में देख लेगा तो उसके डर के मारे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। दोस्तों, आखिरी और चार नंबर वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, ये वीडियो देखें। कितना ही हैरान कर देने वाली वीडियो है, बहुत ही हैरान कर देने वाली वीडियो। ये देखें दोस्तों, ये लड़का दौड़ करके जा रहा होता है कि उधर से एक बुलडोजर आ जाती है और लड़का उसके नीचे आ जाता है, बुलडोजर के नीचे आ जाता है, बुलडोजर उसे घिसटते हुए ले जाती है। अब वो लड़का जिंदा रहा या मर गया ये कहना तो मुश्किल है। हाँ, इतना मालूम होता है इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद, कुछ आदमी उसे आते उठाने के लिए उठाने आ जाते हैं, उठा करके उसे ले जा रहा होता है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि रास्ते में जब आप सड़क में चल रहे हो, थोड़ा संभल ही करके चलना चाहिए, देख करके चलना चाहिए, कहीं ऐसा इस तरह के हादसा में आप जो है तला ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगर जिंदगी ने वफा किया तो एक दूसरी नई वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। आपको ये इन वीडियो में से कौन सा वीडियो अजाइब लगा, अजीब लगा, कमेंट सेक्शन में बता। फिर हम दूसरी वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़, इजाज़त दें, अस्सलाम।